हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स क्लब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक्सकैवेशन फॉर फाउंडेशन इन बिल्डिंग। शुरू करते हैं एक्सकैवेशन फॉर फाउंडेशन। सबसे पहले दो टाइप के एक्सकैवेशन रहते हैं। फर्स्ट है आइसोलेटेड फुटिंग एक्सकैवेशन और दूसरा है मास एक्सकैवेशन। अभी हम देखेंगे वन बाय वन। अभी स्टेप्स फॉर मेजरमेंट फॉर एक्सकैवेशन, अभी एक्सकैवेशन का जो हम मेजरमेंट करते हैं उसका स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है टेकिंग और रिकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग और ओरिजिनल ग्राउंड लेवल्स। फर्स्ट ए ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, उसके बाद है टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्सकैवेटेड ग्राउंड लेवल्स, मतलब एक्स बी पार्ट हो गया एक्सकैवेटेड ग्राउंड लेवल्स। उसके बाद थर्ड है एक्सकैवेशन इन सॉइल, मेजरमेंट फ्रॉम ओजीएल मतलब ओरिजिनल ग्राउंड लेवल टू सॉफ्ट रॉक लेवल, इट इज फर्स्ट सॉफ्ट रॉक टॉप लेवल। देन आगे है एक्सकैवेशन इन सॉफ्ट रॉक, मेजरमेंट फ्रॉम सॉफ्ट रॉक लेवल टू हार्ड रॉक टॉप लेवल, इट इज हार्ड रॉक टॉप लेवल। और उसके बाद एक्सकैवेशन इन हार्ड रॉक, मतलब मेजरमेंट फ्रॉम हार्ड रॉक टॉप लेवल टू एक्सकैवेटेड और हार्ड रॉक बॉटम लेवल, इट इज एक्सकैवेटेड बॉटम लेवल। इधर हम लाइक एक स्केच देखेंगे, उसके हिसाब से आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। एक एक्सकैवेशन पिट है, इसमें देखिए पीसीसी है, एक फुटिंग है, उसके बाद ये कॉलम है, इसके बाद ये ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, फिर ये सॉफ्ट रॉक लेवल, सॉफ्ट रॉक टॉप लेवल, फिर ये हार्ड रॉक टॉप लेवल, फिर ये एक्सकैवेटेड बॉटम लेवल। अभी वर्किंग स्पेस, वर्किंग स्पेस जनरली 60 सेंटीमीटर कंसिडर किया जाता है फेस ऑफ स्ट्रक्चर से, इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिव मेजर्स, मतलब कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उसके दोनों साइड में मिनिमम 600 mm वर्किंग स्पेस होना चाहिए। और ये 1.5 मीटर कंसिडर किया जाता है एट लोअर लेवल। अभी देखिए एक्सकर्शन में कुछ एक्टिविटीज जो रहती है वो हम लोगों को करनी पड़ती है, बट वो उसका मेजरमेंट नहीं होता। अगर वो नेसेसरी है फिर भी उसका मेजरमेंट नहीं होता, लेकिन ये सब एक्टिविटी हमको रेट एनालिसिस में कंसीडर करना पड़ता है। देखिए फर्स्ट है सेटिंग आउट, उसके बाद है साइट क्लियरेंस, ग्रास वेजिटेशन वो रिमूवल वो सब। उसके बाद थर्ड है फॉर्मिंग स्टेप, मतलब स्टेप्स बनाना पड़ता है। अगर डीप एक्सकर्शन है तो स्टेप वाइज हम एक्सकर्शन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बना करके वो अपना पोकलिन या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन मशीनरी है वो अंदर उतार के उसका एक्सकर्शन करते हैं, रैम बना करके अंदर उतरते हैं और उसके हिसाब से उसका एक्सकर्शन करते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्शन वर्क, प्रोटेक्शन वर्क में शोरिंग, प्लैंकिंग, स्ट्रटिंग, बेलिंग आउट ऑफ रेन वाटर ये सब इंक्लूड होता है। इसमें सब सॉइल वाटर, ग्राउंड वाटर मेजर ये जो भी है वो किलोवाट आवर मतलब केडब्ल्यूएच में मेजर होता है और वो सेपरेट आइटम कंसिडर किया जा सकता है कि डी वाटरिंग का आइटम। मेजरमेंट्स ऑफ एक्सकैवेशन, एक्सकैवेशन 1.5 मीटर के रेंज में मेजर किया जाता है। उसके बाद में डिस्पोजल जो रहता है एक्सकैवेशन का वो अलग आइटम में मेजर किया जाता है, कभी कभी उसमें इंक्लूड भी करते हैं, उसमें सेपरेट कभी कभी सेपरेट लेते हैं, कभी कभी उसमें इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जो बैक फिलिंग है, बैक फिलिंग का मेजरमेंट करते हैं इसमें, सबसे पहले ग्राउंड लेवल बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क दिया जाता है, उसके बाद फिलिंग के ऊपर का लेवल दिया जाता है। इसमें डिडक्शंस किए जाते हैं एक्चुअल मेजरमेंट लेने के लिए, वॉइड्स परसेंटेज भी कंसिडर करते हैं फिलिंग करने के लिए, और फिलिंग जो भी है वो 20 सेंटीमीटर के लेयर में प्रॉपर वाटरिंग और कॉम्पैक्शन के साथ किया जाता है। सरफेस ड्रेसिंग, सरफेस ड्रेसिंग एक ट्रिमिंग ऑफ नेचुरल ग्राउंड है, एक्सकैवेट सरफेस है उसको ऊपर जो भी बुशेस रहता है, वेजिटेशन रहता है वो मतलब 15 सेंटीमीटर से कम वाले रहते हैं उनको लेते हैं, उसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में लेते हैं। उसके बाद है सरफेस एक्सकैवेशन, ये कैसे कंसिडर करते हैं, तो एक एक्सीडिंग 1.5 मीटर विड्थ और
वो 10 स्क्वायर मीटर प्लान, मतलब 10 स्क्वायर मीटर प्लान एरिया में और 1.5 मीटर विड्थ में और उसका डेप्थ 30 सेंटीमीटर के अंदर है, नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर, तो उसको हम एक सरफेस एक्सकर्शन बोलते हैं और उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। एक्सकर्शन ओवर एरिया मतलब एक्सीडिंग 1.5 मीटर के ऊपर विड्थ और 10 स्क्वायर मीटर प्लान और उसका डेप्थ अगर 30 सेंटीमीटर से ज्यादा रहेगा तो वो क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। इसके बाद है लीड, लेंथ ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल कितना डिस्टेंस पे डालना है, जो एक्सकैवेटेड मिट्टी है उसको लीड बोलते हैं, वो भी कंसिडर करते हैं। इसके बाद है लिफ्ट, लिफ्ट 1.5 मीटर डेप्थ का लिफ्ट रहता है, मतलब जनरली 1.5 मीटर का एक लिफ्ट रहता है स्टेज वाइज, जैसे ग्राउंड लेवल के बिलो। उसके बाद है प्लैंकिंग एंड स्ट्रटिंग, प्लैंकिंग एंड स्ट्रटिंग ये एक्चुअल जो एक्सकेवेटेड सरफेस एक्सकर्शन करते हैं तो साइड के सरफेस कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको अफोर्ड करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए इसको सपोर्ट देने की जरूरत रहती है, उसको 1.5 मीटर के हिसाब से हम लोग 1.5 मीटर के स्टेज में उसको प्लैंकिंग स्ट्रटिंग देते हैं। उसके बाद है ट्री कटिंग, अभी ट्री कटिंग एक टाइप का एक आइटम कंसिडर किया जाता है कि जिसमें अगर इसका गर्थ जो भी इसका घेर रहता है वो सेंटीमीटर में रहता है या उसका जो सेंटीमीटर में जो घेरा रहता है गर्थ जो रहता है वो स्क्वायर मीटर में रहता है, जब तक कि वो 30 सेंटीमीटर का गर्थ हो तब स्क्वायर मीटर में रहता है, और अगर स्त्री जो ट्री कटिंग का गर्थ के हिसाब से जो भी रहता है सेंटीमीटर में गर्थ रहता है वो अगर 30 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक गर्थ है तो उसको एज अ आइटम और एज अ नंबर मेजर करते हैं। और ये गर्थ कहाँ से मेजर किया जाता है तो ग्राउंड लेवल से 1 मीटर तक जो भी उसका घेरा रहता है या फिर पेरीफेरी बोल सकते हैं, वो ग्राउंड लेवल से 1 मीटर अबव वहां तक उसको कंसिडर करते हैं, उसके हिसाब से उसको मेजर करते हैं। अभी इसमें एक सैंपल मेजरमेंट दिखाया है, एक देखिए आप स्केच के हिसाब से, इधर ये स्केच है, एक फाउंडेशन है, एक नेचुरल ग्राउंड लेवल लिखा है और ये 2 मीटर लिखा है कंसिडर किया है, और ये इधर पीसीसी फुटिंग कॉलम ये सब दिखाया है। इसमें साइज देखिए 1.35 by 1.65 है और उसका डेप्थ देखिए 230 इधर डेप्थ है और 450, टोटल 450 है और ये छोटा वाला 230 है। तो मेजरमेंट कैसे निकाला ये देखिए आप, एक्सकर्शन का मेजरमेंट 1.55 मतलब 1.35 प्लस 100 ऑफसेट बोथ साइड, 1.85 मतलब 1.65 100 ऑफसेट बोथ साइड्स इनटू डेप्थ 2 मीटर, 2 मीटर है प्लस ये 230 है, तो 2 मीटर प्लस 230 प्लस 100 पीसीसी, 2 मीटर प्लस 230 मतलब 2.23 प्लस 100 2.33 ये डेप्थ है, इसके हिसाब से ये क्वांटिटी है 6.68 क्यूबिक मीटर। सिमिलरली नेक्स्ट पुटिंग का भी ऐसा ही है। तो ये एक्सकैवेशन कैसे करते हैं, कैसा स्टेज वाइज करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, इसका एक जनरल आइडिया लेने के लिए ये वीडियो था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और कुछ नए एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग टॉपिक के लेने के लिए ये चैनल देखते रहिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।